हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में बायो में आपका फिफ्थ चैप्टर वंश गति और विविधता कंटिन्यू है। वंश गति और विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर आपका चल रहा है। इसमें आपने 5 या 6 पार्ट इसमें कर लिए हैं और आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हेडिंग है वंश गति का क्रोमोसोम सिद्धांत। लक्षणों की वंश गति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका है, परंतु कई कारणों से 1900 तक ये कार्य अज्ञात रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज थी वो अच्छी नहीं थी, तो लोगों तक अपनी बात कहना बड़ा मुश्किल था। लोगों को समझाना, लोगों को डील करना बड़ा समस्या रूप से समस्यात्मक रूप से काम था ये, तो वो नहीं हो सका। और इसके बाद उसको बहुत कम प्रचार मिला। दूसरे जीन या मेंडल के कारक के लिए ये संकल्पना थी, ये लक्षण के नियंत्रक को स्थायी व विविक्त इकाइयों के रूप में थे। इनके नियंत्रक की संकल्पना, अर्थात ऐसे एलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आया। यानी मेंडल के जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, जब उनके सामने ये बात रखी, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही गूढ़ विषय है, और जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में चीज़ें साक्ष्य रूप से, स्पष्ट रूप से, वी कैन वॉच एनीथिंग व्हाट इज़ बीइंग हैपेंड, जो हो रहा है हम उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं अपने सामने। बट इन द केस ऑफ बायो वी कांट सी एनीथिंग, दैट इज़ वाई, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ अ वेरी माइक्रो, इट इज़ अ वेरी वेरी लिटिल एंड एक्सप्रेसिबल थिंग्स दैट एवरी वन कैन नॉट बी एक्सप्रेस, क्योंकि ये बहुत गूढ़ विषय है, क्योंकि ये बहुत अंदर तक का विषय है, सेल्फ के अंदर की, और उनके बहुत अंदर की बात चल रही, तो वो कैसे संभव हो सकता है अपनी बात को समझाना। और अपनी बात को समझाना उसके बाद भी वो तब समझ में आएगा जब कुछ महीने बाद उस पूरी की पूरी फसल में उस परिवर्तन को देखेंगे। तो रियली मेंडल के लिए बहुत, इट वॉज टू डिफिकल्ट, बहुत कठिन था ये समझाना। मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को ये रास नहीं आया, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। उस समय के जीव वैज्ञानिकों को मेंडल का जीव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था, क्योंकि एक तो ये कि उनसे पहले उन्होंने एक वैज्ञानिक के साथ साथ वो एक पूरी तरह से फुल टाइम वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक पास्टर भी थे। तो एक पादरी या एक पास्टर वैज्ञानिक के क्षेत्र में आएगा तो वैज्ञानिकों जो फुल टाइम वैज्ञानिक थे उनके लिए बड़े शर्म की बात थी, इसलिए उन्होंने उनके नियमों को नहीं माना। उनकी मृत्यु के 16 वर्षों बाद ही कुछ वैज्ञानिकों ने उनके दिए हुए नियमों का पालन किया, वो आगे हम पढ़ेंगे। तीसरे, उस समय के जीव वैज्ञानिकों को मेंडल का जीव जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और जीव वैज्ञानिकों के द्वारा शिकायत था। अंत में भले ही मेंडल का ये कार्य इंगित करता था कि कारक जीन असतत इकाइयों होते हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति के भौतिक प्रमाण ना दे पाया और ना ही बता सका कि किस पदार्थ के बने होते हैं। 1900 में तीन वैज्ञानिक, ह्यूगो डिब्रीज, कॉल कॉरेंस और बेन वॉन शरमैक ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशगति संबंधित मेंडल के परिणामों की पुनः पुनः खोज की। इस समय माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्म दर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी। लेंसेज बहुत डेवलप नहीं थे पर डेवलपिंग थे, और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। एक बात देखने की, उस समय जो माइक्रोस्कोप, जो कैमरा लेंसेज थे या माइक्रोस्कोप वाले लेंसेज थे, वो अगर कंपनियां डेवलप कर पाती तो उन्हें खरीदने वाले कितने थे। आज हर इंसान जानता है, हर इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि उसके फ़ोन में आज कैमरा है। सोचिए उस समय की बात है जब
हमारे पास लेंसेज होते ही नहीं थे, तो उस समय कैमरे भी डेवलप नहीं थे। अगर कंपनी बना भी लेती या कैसे भी करके, तो उन्हें उस लेंस की कीमत क्या होती और उस लेंस को लोग कितने लोग खरीद पाते। तो मांग की आधारित डिमांड इसलिए होती है कंपनी की क्योंकि उसके कस्टमर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ इस मामले में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ थी उस समय का। उस समय माइक्रोस्कोप का विकसित होता जा रहा था। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणन मॉडल को, द्विगुणन में विभाजित हो जाता है, और जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित विभाजित हो जाता है, इन्हें क्रोमोसोम रंग के जाने के कारण रंगीन कार्य कहा गया है। 1902 में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का संचालन ज्ञान संचालित ज्ञान हो चुका था। वॉन वाल्टर सटन तथा थियोडोर मेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल के नियम तालिका को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। कोशिका विभाजन की अर्धसूत्रण एवं अधिसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक ही एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।